a small girl. She was 10 or 12 years old. And Amanda, written by Robin Klein. It is a very interesting and motivational poem about a mother and daughters. They have especially chemistry between mother and daughter. When mother was say something with her daughters, and after that, daughter, she was thinking about that, that was the completely ignoring her thought. अब यही होता है कि जब भी कोई चीजें मदर अपनी डॉटर से कहती है तो वो उनको क्या लगने लगता है, उनको वो हमेशा से कुछ डिफरेंसेस लगने लगते हैं, बिकॉज सी वॉज द थिंकिंग दैट इट इज कम्प्लीटली हार्मफुल फॉर अस. उनको हमेशा यही लगने लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल एक अलग सा एक हार्मफुल है. तो इसी तरीके से क्या होने लगता है, हम इस पोएम्स में एक मदर और एक डॉटर जिसका नेम था अमेंडा, उसके बारे में इस पोएम्स में रीड करेंगे. So, every child feels that she or he is the controlled and instructed not to do one thing or another. अब इसमें पोएम्स में यही बताया गया है कि हर बच्चे को क्या होता है, यही लगने लगता है, चाहे वो मेल हो और गर्ल्स हो, ठीक है, बॉय हो या फिर गर्ल्स, उनको हमेशा यही लगता है he is controlled and instructed not to do one thing or another. एक से उनको दूसरी ज़्यादा चीज़ों में कोई भी इंस्ट्रक्टेड नहीं करना चाहिए. You do make feel that your freedom is करके आपको यही लगने लगता है कि आपकी पूरी जो freedoms है उसको क्या कर लिया गया है, control करके रखा गया है according to our parents. हमारे हमको यही लगने लगता है कि हमारी जो कंपनी की freedoms है उसको stop कर दिया गया है, parents के थ्रू रोक दिया गया है. यही चीज़ें हम इससे क्या करेंगे, इस poems में read करेंगे. So, let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't punch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Who says these words? Amanda's mother told Amanda. And what she told that? Don't bite your nails. It means she was cutting her nails in her teeth. That time she want to stop her. Don't bite your nails, Amanda. Amanda, tum apne nails mat kaato. मत चबाओ. डोंट हंच, हंच इट मीन्स बैंड डाउन टू आर शोल्डर्स. अब जैसे हम झुका के बैठते हैं उसको बैंड डाउन बोलते हैं. हंच, डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा. और अमेंडा को ये कहा जाता है कि तुम अपने शोल्डर्स को झुका के मत रहो. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा. स्लॉचिंग इट मीन्स वीक. स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड ऐसे मानो कि जैसे तुम वीक लग रहे हो उस तरीके से बैठो मत, तुम सीधे बैठो. इस तरीके से वो क्या कहने लगती है, अमेंडा की मदर अमेंडा को कहने लगती है कि क्या कहने लगती है, तुम अपने नेल्स बाइट मत करो अमेंडा. तुम क्या करो, तुम अपने सोल्जर्स को ऐसे झुकाकर मत रखो अमेंडा. और कहने लगती है कि तुम वीक मत बनो, स्टॉप इट, और उसको बंद करो और सीधे बैठो अमेंडा करके उनकी मदर उनको कहने लगती है. After that, what is the feeling of Amanda? We will be seeing in the next stanza. Second is, there is a language, Emerald Sea, where the soul inhabited in me, mermaid drifting blissfully. अब हम सबसे पहले आते हैं कि what is the meaning of language? Language का meaning होता है relax and emerald. Emerald, it means the green color of sea, as the way of the soul in habitat. That was the meaning of a lone person. They have a living there. And mermaid, जिसको हम बोलते हैं as the angel of sea, जिसको बोलते हैं जलपरी. Drifting, as especially drifting means होता है moving slowly. So that is the meaning of this. And now Amanda was the feeling that what was that? It was just she was imagining about the Emerald Sea. वो क्या करने लगती है? एक imagining करने लगती है. वो imagining क्या था? Because of the sea's water have a color of green, that was a very relaxation for her. ऐसा लगने लगता है कि वो जो सी वाटर जो ग्रीन दिखाई दे रहा है उससे उनको बहुत रिलैक्सेशन फील
पूरी तरीके से जो पर्सन्स जहाँ पे रहते हैं उसमें मानो कि मैं हूँ। एस जैसे कि जल परी क्या होने लगते हैं, वो जल परी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। वैसे जल परी आप तो जानते हो गए, दे हैव अ बॉडी हैव अ फेस एज द अपर साइड इज जस्ट लाइक द ह्यूमन बॉडी, उसको हम जल परी बोलते हैं। तो वैसे बोलने लगते हैं कि मानो जैसे क्या करने लगती है कि मैं क्या हूँ, एक पीसफुली रिलैक्स की तरह उस ग्रीन सी पोर्टस में क्या करने लगती है, अपने आप को अपनी सोच को क्या करने लगती है, जहाँ पे एज द केन पर्सन लिविंग मानो लॉन्ग पर्सन रहती हैं उसी तरीके से अपने आप एज ए जल परी के रूप में क्या करने लगती है, वो धीरे धीरे आगे खुशी से एज द होता है ब्लिसफुली एज द हैप्पीनेस खुशी से आगे बढ़ना चाहती थी। मतलब उसको कोई विदाउट एनी स्लैबिंग बिना किसी रुकावट से बिना किसी बर्तन तक वो क्या करना चाहती थी, आज़ादी से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती थी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टैडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा एंड नाउ अमांडास मदर आस्क हर अबाउट दैट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, व्हाट इज शी आस्किंग, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क और नॉट। वो क्या करने लगती है, वो पूछने लगती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा, ये जो टैडी योर रूम अमांडा, हैव यू फिनिश्ड एंड हैव यू क्लीन योर रूम अमांडा। अब उसको अमांडा से फिर पूछा जाता है क्या कि तुमने अपने होमवर्क को फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपने रूम्स को क्लीन कर लिया अमांडा, आई थॉट मुझे लगता है आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है कि तुम मैंने तुमसे कहा कि तुम क्या कर लेना अपने शूज को भी क्लीन कर लेना। इस तरीके से क्या करती है, सो मेनी टाइम्स अमांडास मदर वाज टेलिंग अ वर्ड्स अबाउट द रिलेटेड ऑफ हाइजेनिक, बहुत सारी चीज़ें उससे पूछते हैं रिलेटेड उनके जो हैबिट होती है रिलेटेड उनका जो डेली का क्या होता है डेली बेसिस वर्क्स होता है उससे वो उसे आस्क करती हैं। नाउ अमांडास रिप्लाई आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन जब जानते ही होगे उसका जिसका मीनिंग होता है अनाथ होना, रोमिंग द स्ट्रीट she was feeling because so many times her mother asked something related of daily basis so that time she was thinking about that and what was that I am an orphan, mujhe lagta hai ki main mano kya ek anath hu, roaming the street aur jaise ki kya hone lagta hai street mein she was the every time walking and rounding back ki mano वो स्ट्रीट में अनाथ की जैसे घूम रही हो। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट माई हर्स्ड पेयर फीट, और वो कहने लगता है जैसे मानो कि वो अपने खाली पैर बेयर मतलब एज द विदाउट समथिंग तो खाली पैर में क्या करने लगते हैं साइलेंटली वो इधर से आई पैटर्न सॉफ्ट मानो कि वो क्या करने लगता है उसको मैक पैटर्न ऐसे पैटर्न बना रहा है जो बहुत सॉफ्ट डस्ट के साथ साथ मेरे में क्या कर रहा है साइलेंटली वो बेयर फीट से वहाँ पे चल रहा है। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो साइलेंटली है वो क्या है एक गोल्ड जैसा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और वो साइलेंटली मतलब जो खाली अपने बिना किसी फ्रीडम बिना किसी दबाव के बिना किसी बर्डन के जब वो अकेले उस प्लेस पे घूम रही थी वो भी बेयर फीट तो उनके लिए वो क्या था मानो कि वो गोल्ड था, वो शांति उनके लिए गोल्ड जैसे था और वो स्वतंत्र और वो जो फ्रीडम था उनके लिए एक स्वीट जैसा था। दैट वॉज द वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अमांडा, तो वो अपनी चीज़ों को कंपेयर करती है जब उनकी मदर्स क्या करती है उनसे क्वेश्चंस करती है। नाउ डोंट गेट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एग्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पे हम आते हैं एग्ने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्ने, दैट इज जस्ट लाइक एज पिंपल्स व्हेन एनी चिल्ड्रन विल बिकम एज अ एडोलेसेंस, जैसे हम क्या होते हैं बच्चे थोड़ा सा चाइल्ड हुड से सब में आने लगते हैं तो उनकी फेस में एक्ने आने लगता है पिंपल्स आने लगता है उसी को हम एक्ने भी बोलते हैं। तो बताने लगता है कि डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, हर मदर्स हैव गिविंग अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स डोंट ईट चॉकलेट्स बिकॉज व्हाई रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, वो कहने लगते हैं कि चॉकलेट्स मत खाओ अमांडा, तुम्हें क्या होना चाहिए
तुम्हें तुम्हारे एक्ने को याद करना चाहिए कि तुम्हारे फेस पे क्या है, पिंपल्स आए हुए हैं, तो उन पिंपल्स को याद आपको याद करके चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए। विल यू प्लीज लुक एट मी। एंड आफ्टर दैट व्हेन शी वाज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अमांडा, दैट्स व्हाई शी टोल्ड हर लुक एट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू। अगर मैं तुमसे या फिर व्हेन आई एम स्पीकिंग यू, जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, बोल रही हूँ, तो तुम मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखते रहो। इस तरीके से वो क्या करने लगती है, अमांडा की मदर अमांडा से कहने लगती है कि जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ, तुम क्या करो, सिर्फ और सिर्फ मेरे तरफ देखो। नाउ अमांडा रिप्लाई, आई एम रपंजल। रपंजल इट इज अ प्रिंसेस, देयर हैव अ लॉन्ग हेयर एज द ब्राउन एज गोल्डन कलर ऑफ हेयर, दैट वाज द रिलेटेड अ टावर। एक कहते बीच एंड प्रिंसेस, एक प्रिंसेस की स्टोरी थी जिस प्रिंसेस के लॉन्ग हेयर्स थे, उसको प्रिंसल बोला जाता है। सो आई एम रपंजल। अब रपंजल, मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया कि रपंजल एक स्टोरी है प्रिंसेस की जिसके लॉन्ग हेयर्स होते हैं, तो वो अपने आप को क्या तो करती है, आई एम रपंजल, कि मैं रपंजल हूँ, आई हैव नॉट केयर, और मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर, मैंने जो बताया ना कि टावर जो बीच क्या करती थी, उसके लॉन्ग हेयर्स को पकड़ करके टावर पे क्लाइंब्स करती थी, और जो नीचे आने के लिए थी वो उसी उनके हेयर्स का ही यूज करती थी। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैक्विल एंड रेयर। आपको बताने लगती है कि लाइफ क्या है, एक टावर जैसा है जो बिल्कुल क्या है, ट्रैक्विल, जिसका मीनिंग होता है काम, शांत होना, एंड रेयर, जो बिल्कुल क्या है, लाइफ एक टावर जैसा जो बिल्कुल शांत और बिल्कुल रेयर है, दुर्लभ है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन वो अपने आप में कहती है कि मैं कभी भी, जस्ट लाइक एज अ बीच, क्योंकि वो बीच क्या करती थी, रपंजल, जो रपंजल के हेयर को पकड़ के, प्रिंसेस के हेयर्स को पकड़ के नीचे आती थी, तो वो कहने लगती है कि मैं कभी भी, आई विल नेवर, मैं कभी भी अपने हेयर्स को पकड़ के नीचे नहीं आऊंगी। मतलब वो अपने हेयर्स के बारे में कहती है, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो मैं अपने ब्राइट हेयर को साथ कभी भी नीचे नहीं आऊंगी। नाउ अमांडास मदर टोल्ड टू द अमांडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। स्टॉप एज सल्किंग, जिसको बोलते हैं चिड़चिड़ाना। नाउ स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, बिकॉज शी वॉज द एनी टाइम दैट्स एंग्री, दैट्स वाई हर मदर टोल्ड हर स्टॉप सल्किंग, चिड़चिड़ाना बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी मीन्स एज अ थॉट थिंकिंग एंड डूइंग हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू हर ऑन विश। अब क्या होते हैं, जो मूडी उसी को बोलते हैं जो मुँह फुलाए, जिसको बोलते हैं ना मुँह फुला के बैठे हो, जो अपनी मर्जी से करे, उसको मूडी बोलते हैं। तो बनने लगता है यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा से क्या हो, मूडी हो अमांडा। मतलब वो बताने लगते हैं इट मीन्स यू वांट, सो यू आर डूइंग दैट, कि जो तुम चाहते हो वही करते हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड, नेग्ड मीन्स साउट, डांटना। I nagged at you, Amanda. Anyone would think that? सब क्या करते हैं, कि कोई भी इन चीज़ों के बारे में thoughts करता है, इसके लिए मैं तुमको क्या करती हूँ, चिल्लाती भी हूँ, स्कैप करती हूँ, शॉट करती हूँ, किसको कहने लगती है, Amanda को। इस तरीके से Amanda से क्या होता है, सी वो हर मदर वॉज थिंकिंग अबाउट दैट एज अ रिलेटिव ऑफ स्कॉलरेट एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड है। वो क्या कहने लगते हैं, इसमें दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो उसको चिल्लाने भी लगती है किसको, अमांडा को, और वो समझाने की कोशिश भी करती है अबाउट द लाइफ। सो दिस इज अवर चैप्टर अमांडा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस चैप्टर इस पोयम में आपको कोई भी स्टेंजा में कुछ डाउट नहीं होगा। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो विद योर ऑल्सो। थैंक यू।